नमस्कार, निराला संगीत सदन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम प्राचीन कला केंद्र के तबला फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे। इससे पहले हम एक और वीडियो सिलेबस के रूप में बना चुके हैं, उसमें हमने वोकल फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस किया है। आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं अगर आप गायन के हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि तबला का भी सिलेबस दिया जाए, तो इसमें हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस तबला का डिस्कस करेंगे। प्राचीन कला केंद्र में फर्स्ट ईयर को संगीत भूषण पार्ट वन भी कहते हैं, तो अगर आप कहीं पे ये लिखा देखें तो संकोच ना करें, संगीत भूषण पार्ट वन या फर्स्ट ईयर दोनों सेम ही है। देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि क्या सब हमें पढ़ना है, फिर हम पिछले साल पूछे गए प्रश्न को भी देखेंगे, और तीसरे नंबर पे हम किस बुक से इस सिलेबस को तैयार कर सकते हैं, जो हमें तैयार करने में ये मदद करेंगी, वो बुक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं थ्योरी का। कुछ परिभाषिक शब्द हैं जिनका ज्ञान हमें होना चाहिए, जिसमें है लय और उनके तीन प्रकार, विलंबित, मध्य और द्रुत। इसके बाद है मात्रा, ताल, विभाग, सम, ताली, खाली, आवर्तन, ठेका, स्थाई, दुगुन, कायदा, रेला। अब देखिए, इसी तरह से गायन में भी था परिभाषिक शब्द, और ये अक्सर 10 नंबर के सवाल में पांच परिभाषिक शब्द पूछ लेते हैं, दो दो नंबर करके। तो इसमें आपको हर परिभाषा में दो तीन लाइन का आना चाहिए आंसर। अगला है तबले की उत्पत्ति की साधारण ज्ञान तथा दाहिने और बाएं अंगों का वर्णन। तबला की उत्पत्ति, इसके बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास कैसे बना, और दायां और बायां अंग से हम क्या बजा सकते हैं, ये सब हमें देखना है। तबला और पखावज के दाहिने और बाएं कौन-कौन से स्थान पर आघात करके कौन-कौन से बोल उत्पन्न होते हैं, उसका विवरण। पखावज जिनका होगा वो पखावज, हम लोग तबला के बारे में देखेंगे, तो हमें इसमें देखना है कि दायां या बाएं तरफ के अंगों पर हम कहाँ पे प्रहार करें या आघात करें, तो कौन कौन सा बोल उत्पन्न होता है। जैसे हम ता कैसे बजाएंगे, धा कैसे बजाएंगे, तिन, ता, टेटे, टिट, जो भी आप बोलें, तो ये सब हमें फर्स्ट ईयर में देखना है, अपने वाद्य यंत्र की उत्पत्ति और उसके अंगों का ज्ञान। अब ये उसी में है, चूंकि यही सिलेबस इंस्ट्रूमेंटल का भी रहता है, तो उसमें भी हमें जो भी हम बजाते हैं उसकी उत्पत्ति और उसके अंगों का ज्ञान होना चाहिए। तो हम इसमें तबला के बारे में ही देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके कौन कौन से अंग हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति का ज्ञान, ये भी हमें देखना है, और देखते हैं क्या है प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है। 1 से 16 मात्रा तक हाथ पर ताली की सहायता से लय बोलने का अभ्यास। प्रैक्टिकल में ये अक्सर पूछा जाता है कि आपके सिलेबस में जो भी ताली होगा, जैसे तीन ताल हुआ, जप ताल, कहरवा, दादरा, या चार ताल, आपको बोल दिया जाएगा इसे हाथ पर ताली देकर बोल बोलिए, स्थाई में बोलिए या दुगुन में बोलिए। देखिए, दूसरा हमारा वही है, तीन ताल, जप ताल, कहरवा, दादरा और चार ताल के ठेकों को स्थाई और दुगुन में बजाने का अभ्यास। आपको बजाना भी आना चाहिए और ताले भी आप हाथ पे उसको स्थाई में या दुगुन में देने के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या है त्रिताल में, त्रिताल को ही हम लोग तीन ताल बोलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 16 मात्रा, दो मुखरे, टुकरे, तिहाई और झपताल में सरल टुकरे, दो कायदा और दो मुखरे बजाने का अभ्यास। यहाँ पे कॉमा होगा, दो टुकरे, दो कायदा,
और दो मुखरे बजाने का अभ्यास। आगे क्या है, गत एवं गीत में सम समझाकर तबला वादन आरंभ करने का अभ्यास। फिर है दादरा कहरवा ताल में पांच लग्गी बजाने का अभ्यास। वर्तमान प्रतिष्ठित ताल वादकों के विषय में जानकारी कि अभी कौन कौन से प्रसिद्ध तबला वादक हैं या इतिहास में, उन सब के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये आपके सामने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ सत्र 2019-20 का फर्स्ट ईयर तबला का प्रश्न है। जैसा हमने वोकल वाले सिलेबस में भी देखा था कि 50 अंकों की आपकी ये परीक्षा होगी और समय आपको 3 घंटे मिलेंगे, जिसमें से आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं। कुल प्रश्न अगर आप देखेंगे, इसको आगे मैं बढ़ा के दिखाऊं, तो 8 प्रश्न हैं। आपको 8 में से 8 के उत्तर नहीं देने हैं, आपको सिर्फ इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरें, ये 10 नंबर का है और 10 एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ उत्तर लिखने के लिए। जैसे चुनाव आप कर सकते हैं, 8 में से कोई 5 देने हैं तो ये आप चुनेंगे कि आपको किसका उत्तर देना है। लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एक एक नंबर वाला, या परिभाषिक शब्द में 2-2 नंबर वाले, या बोल दे किसी ताल का स्थाई 2-4 में लिखें, तो ये सब प्रश्न आपको जरूर लिखने चाहिए। उसमें आपको उत्तर में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अगर वो 10 नंबर का है, तो जैसे ये प्रश्न है पहला वाला, तो इसमें आपको 10 में से 10 मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई जीवनी लिखेंगे या कुछ परिभाषाएं लिखेंगे, तो उसमें चांसेस हैं कि आपके 1 से 2 नंबर कम मिले, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखेंगे। कुछ चीज़ें हैंडराइटिंग पे भी डिपेंड करती हैं, आपने कितनी अच्छी शब्दों का उपयोग किया है, तो उसमें आपको 10 में से 8 या 9 मिलेंगे। तो ये प्रश्न आपको जरूर ट्राई करना है, अगर आपको सारे उत्तर आते हो तो। 1-2 प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रिक्त स्थान है, कलाओं के मिश्रण को संगीत कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, गायन वादन एवं नृत्य, इन तीनों कलाओं के मिश्रण को संगीत कहते हैं। लय 10 प्रकार की होती है, तबले के कितने वर्ण हैं, 3 ताल में कितनी मात्राएं हो, 3 ताल में 10 मात्रा पर खाली होती है। अब देखिए, जैसे मैं पढ़ने में थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कितनी मात्राएं होती हैं पढ़ लिया, तो बच्चे तुरंत से इस पे 16 लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उसने, आप ध्यान से पढ़ें सवाल को, तो वो मात्रा नहीं पूछ रहा है कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, वो पूछ रहा है किस मात्रा पे खाली होती है। तो आप ये सब ध्यान रखेंगे, ताल की प्रथम मात्रा को क्या कहते हैं, सम। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, आप यहाँ से भी देखें तो बहुत समय मिल रहा है आपको हर क्वेश्चन के लिए। आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, मतलब अगर मिनट में करें तो 180 मिनट आपके पास है। तो इस तरह से, और सिर्फ 5 प्रश्न हमें करने हैं, तो 1 प्रश्न पे अगर हम देखें 36 मिनट अगर मैंने भाग सही दिया हो, या 15 और 3 0 56 36, ठीक है, 1 प्रश्न पे आपको 36 मिनट मिल रहे हैं, आधे घंटे से भी ज्यादा। तो अगर आपको आधे घंटे से ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये प्रश्न अगर आपको उत्तर आता है, ये 10 का 10 अगर आपको उत्तर आता है, तो आपको इसको लिखने में मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। फिर भी आपको बहुत सारे समय बच जाएंगे इधर उत्तर लिखने के लिए, तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि सिर्फ जैसे गायन वादन एवं नृत्य ये लिख के नहीं छोड़ देना है कि एग्जामिनर पढ़ेंगे कि इससे आगे क्या था क्वेश्चन में मिलाएंगे। लय 10 प्रकार की होती हैं, तो आपने तबले में इतने वर्ण होते, सिर्फ उसका उत्तर लिख के छोड़ दिया। ताल की प्रथम मात्रा को तो आपने सम करके छोड़ दिया, आपको पूरा पूरा लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो होगा वो भी लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे और उससे आगे इसको पूरा लिखेंगे, क्योंकि आपके पास समय की कमी यहाँ पे तो नहीं है।
चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। त्रिताल में तीन ताल में एक कायदा दो पलटों सहित लिपिबद्ध करें। ये भी प्रश्न आपके लिए अच्छा है, इसमें पूरा मार्क्स मिलने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। झपताल अथवा सूलताल में टुकड़ा एवं परन लिपिबद्ध करें। ये भी अच्छी क्वेश्चन मानी जाएगी। ताल कहरवा का परिचय देते हुए यह बताएं कि यह किस गायन शैली के साथ बजाई जाती है। ये भी ठीक है, ताल झपताल का परिचय देते हुए ठाह और दोगुन ताल लिपिबद्ध करें। तबला अथवा पखावज पर दाएं अथवा बाएं, यहाँ पे हाथ होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना आप समझ सकते हैं। निकलने वाले वर्णों के बारे में बताएं। तो दाएं हाथ से हम कौन कौन सा बोल निकाल सकते हैं, बाएं हाथ से हम कौन कौन से बोल निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको अलग अलग वर्णन करना है। आप ध्यान देंगे एक क्वेश्चन के लिए अगर वो 10 नंबर का है तो आप 1 से 1.5 पेज जरूर लिखेंगे ताकि आपको 8, 9 या 10, अगर 10 नंबर का है तो इसमें से आपका होना चाहिए कि 8, 9 या 10 इतने मार्क्स जरूर मिले, इससे कम ना हो। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिताल में तिट के बोल को सम्मिलित करते हुए एक कायदा ताल लिपिबद्ध करें। तो आप देख लेंगे कि तीन ताल में कौन सा कायदा है जिसमें तिट होना चाहिए, वो बोल आपको लिख के इसमें देना है। और आठवां प्रश्न है, ताल त्रिताल में एक रेला ताल लिपिबद्ध करें। तो आप क्वेश्चन सारे देख चुके हैं, इसमें से आपको देखना है कि आप किस 5 क्वेश्चन का उत्तर सबसे बेहतर लिख सकते हैं। वो 5 प्रश्न आपको चुनने हैं और उसके उत्तर आराम से साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करनी है। आगे हम बुक देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसकी अधिकांश जो पाठ्यक्रम है हमारी प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का, वो ताल दर्शन मंजरी भाग 1 में आपको मिल जाएगी। यह किताब सौभाग्य से गुरुदेव श्री राम नरेश राय, जो कि हमारे संगीतालय के निर्देशक भी हैं, इन्हीं के निर्देशन में हमारा संगीतालय चलता है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो आप ये बुक जरूर ले सकते हैं अगर तबला के आप छात्र हैं। इस वीडियो में इतना ही, सिलेबस हम पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं, प्रश्न भी देख चुके हैं। आगे हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कुछ परिभाषाएं और थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको लिखवा सकें YouTube के माध्यम से ही। इस वीडियो में इतना ही, अभ्यास करते रहें।